हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग वाटनी की सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू Uh, जो पार्ट फर्स्ट था टिश्यू सिस्टम का उसमें हमने मेरिसमेटिक टिश्यू डिस्कस किए थे आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू बिकॉज जो परमानेंट टिश्यू है वो दो टाइप के होते हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू सो लेट्स सी सो बेसिकली जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि बेसिकली उन सेल से मिलकर बने होते हैं जिनकी जो डिविज़न uh, कैपेबिलिटी है वो लॉस्ट हो चुकी है और ये परमानेंट हो चुके हैं प्लांट प्लांट में या कोई भी तरीके के ट्री में ये बेसिकली होते हैं लिविंग uh, भी हो सकते हैं डेड भी हो सकते हैं एंड थिन वॉल्ड और थिक वॉल्ड भी हो सकते हैं परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म्ड बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेल्स ऑफ ऑफ़ दी प्राइमरी और सेकेंडरी यानी कि ये जो है प्राइमरी भी हो सकते हैं सेकेंडरी भी हो सकते हैं और सेल के डिफ्रेंशिएशन से डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि जब कोई एक सेल अपनी जो पर्टिकुलर फंक्शन है उसको पहचान लेती है आइडेंटिफाई कर लेती है तो उसको कहते हैं डिफ्रेंशिएटन डिफरेंशिएशन ऑफ दी सेल तो इसी तरीके से परमानेंट टिश्यू का मेन फंक्शन होता है कि इनकी डिविज़न करने की कैपेबिलिटी अब लॉस्ट हो चुकी है तो प्राइमरी परमानेंट जो टिश्यू होते हैं ये डिराइव होते हैं एपिकल मेरिस्टेम से क्योंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होते हैं जो कि स्टेम में होते हैं रूट्स में होते हैं सेकेंडरी जो परमानेंट मैरिस्टेम टिश्यू हैं ये अराइज होते हैं लेटरल मैरिस्टेम से जैसे मैंने हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि एपिकल जो टॉप वाला पोर्शन है देन लेटरल तो वहाँ पर जो टिश्यू होते हैं वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होते हैं और जो लेटरल होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू और सेकेंड ही परमानें टिश्यू का एग्जाम्पल है कैम्बियम लेयर सो नेट लेट सी द क्लासिफिकेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू सो बेसिकली परमानेंट टिश्यूज़ के सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पढ़ लेते हैं परमानेंट टिश्यू जो है सिंपल भी हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं सिंपल जो टिश्यू होंगे ये मेडअप होते हैं ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स फॉर्मिंग अ होमोजीनियस और यूनिफॉर्म मास मतलब सिंपल एक ही टाइप की जो सेल्स हैं उनसे मिलकर बने होंगे वैसे ही अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो बने होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल यानी कि अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे और उनका जो वर्किंग है वो एक uh, मतलब टुगेदर हम कह सकते हैं कि एक यूनिट बना के वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो uh, तो अभी हमारा डिस्कशन रहेगा अबाउट सिंपल टिश्यू तो जो सिंपल बेसिकली जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं फर्स्ट आता है पेरनकाइमा नेक्स्ट आता है कॉलनकाइमा एंड थर्ड आता है स्क्लरन कायमा राइट right? और उसी तरीके से पेरन कायमा को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जैसे कि पैरन कायमा फर्स्ट एक तो पैरन कायमा हो गया नेक्स्ट आता है क्लोरन कायमा एंड एयरन कायमा तो हम सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो लेट्स सी फर्स्ट आता है पेरनकाइमा पैरन कायमा पेरन जो सेल्स है वो लिविंग सेल्स होती हैं राइट राइट लिविंग सेल्स होती हैं मतलब इनमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह सभी कुछ प्रेजेंट होगा जो कि मॉर्फोलॉजी में वेरिएबल हो सकती हैं और ये जो स्पेलिंग है आप इसको सही कर लीजिएगा दिस इज सेल्स नॉट सेल्स राइट तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा थिन वॉल्ड होती हैं पॉलीहेड्रल शेप्स की होती हैं और बेसिकली ये क्या होती है वेजिटेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं नेक्स्ट आता है ईच सेल ऑफ पेरनकाइमा जो कि वन और मोर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं यानी कि यूनी न्यूक्लियट नु, भी हो सकती है और मल्टी न्यूक्लियट भी हो सकती हैं पेरनकाइमा एक मोइज़र कंपोनेंट है प्लांट बॉडी का जो कि प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल्स में पेरनकाइमेटा सेल्स होती हैं पल्प ऑफ फ्रूट एंडोस्पम ऑफ सीड्स कॉटेक्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स यानी कि इन सब में जो है पेरनकलाइमेटिस सेल्स जो है प्रेजेंट होती है पेरनकाइमा जो है जाइलम और फ्लोयम जो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का टाइप है कॉम्प्लेक्स पर्मानेंट टिश्यू का उसमें भी प्रेजेंट होते हैं तो पेरनकाइमा का पहला टाइप आता है एरनकाइमा एरन का मतलब क्या है एयर का मतलब समथिंग जो कि एयर से रिलेटेड है तो ये जो होते हैं बेसिकली स्पेशलाइज्ड पेरनकमेट सेल्स होते हैं जो कि कॉटेक्स ऑफ एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं उनकी कॉटेक्स में प्रेजेंट होते हैं आई होप कि आप कॉटेक्स जो वर्ड है उससे फैमिलियर होंगे सो हम यहाँ पर देख लेते हैं कॉटेक्स कैसा होता है सो so, अगर हम कोई भी सेल्स को देखें तो ये आउटर जो लेयर है ये इपिडर्मिस की लेयर होती है सिंगल लेयर उसके बाद जो ये अनदर जो जो अंदर की तरफ कुछ सेल्स है होती हैं बुरा एक सेल्स का मास होता है इस तरीके का आप देख सकते हैं पॉलीहेड्रल शेप का तो ये कॉटिकल सेल्स होती हैं इस तरीके की तो ये होता है बेसिकली कॉटेक्स वाला रीजन और ये होता है ऊपर वाला इपडर्मिस वाला रीजन राइट right? आई होप कि आप कॉन्प्ट को जानते होंगे और उस तरीके से ये जो प्रेजेंट होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स में एयरन कायमा प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर स्पेसिस इनमें प्रेजेंट होते हैं अभी हम देखेंगे इनका स्ट्रक्चर द पेरन काइमा सेल्स आर एक्सपोज टू लाइट आर डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट इन दैम सच इज सच अ टिश्यू इज़ नोन एज क्लोरन तो अब देखिए एयरन क्या होगा जब ये एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे और वही जो एरन कायमा है जब वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब लाइट से एक्सपोज करते हैं क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस में वहाँ पर जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उस टाइप के जब टिश्यू होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं क्लोरन कायमा क्लोरन मतलब समथिंग इज रिलेटेड टू ग्रीन कलर तो इस वजह से इनको क्लोरन कायमा बोलते हैं नेक्स्ट टाइप आता है कॉलन कायमा कॉलन कायमा होते हैं इट इज़ लिविंग टिश्यू होता है अगेन जो कि एलोंगेटेड सेल्स होती हैं और इसकी जो है नॉन लिग्निफाइड यानी कि इसमें लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता जो वॉल्स होती है सेल वॉल्स विद अन ईवन बाई थिकेंड वॉल्स ऑफ सेलुलोज और पैक्टिंग की वॉल्स जो है थिक होती है और इंटर सेलुलर जो स्पेस है यानी कि दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है वह यहाँ पर एबसेंट होता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो जो कॉलन कायमा जो होती है वो फर्स्ट सपोर्टिंग टिश्यू होता है प्लांट्स में जो देखा गया है यानी कि प्लांट को जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू ग्रोविंग ऑर्गन को भी जो ग्रो करने वाले ऑर्गन है उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है थर्ड टाइप आता है स्कलरन कायमा स्क्रन कायमा आपको हमेशा अपने दिमाग में याद रखना है कि ये डेड टिश्यू प्लांट है सॉरी डेड टिश्यूज़ हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं सो दीज आर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग यूनिफॉर्मली थिक और ये लिग्निफाइड होते हैं विच आर यूजली पॉइंटेड होते हैं इनके दोनों साइड से जो ये सेल्स होंगे उनके एंड्स जो होते हैं मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ ड्रॉ करके वो कुछ इस तरीके के होंगे आप देख सकते हैं ना ये पॉइंटेड एंड्स इनके होते हैं स्क्र क्लाइमेट सेल्स आर डेड सेल्स जैसे मैंने आप, आपको बताया था और इनका मेन फंक्शन होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करना फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी टू दी प्लांट बॉडी ये इनकी मेन फंक्शन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने अभी पढ़ा पेरनकाइमेट टिश्यू इस तरीके के होते हैं जिनमें इंटर सेलुलर स्पेस आप देख सकते हैं दो सेल्स के बीच में ये ब्लैकिश जो स्पेस प्रेजेंट है इस तरीके के अरेंज होते हैं प्लांट में कॉल क्लाइमेटे टिश्यू आप देख सकते हैं इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एबसेंट है देन स्किलइमेटे सेल्स आप देख सकते हैं कि ये पॉइंटेड एंड्स इनके हैं तो इस तरीके से ये प्लांट्स जो होते हैं उनमें अरेंज रहते हैं स्केर कामे जो सेल्स होती है उनको अगेन डिवाइड किया गया है फाइबर्स एंड स्केरिट्स जैसे हम हमने नॉर्मली जब भी हम आ, सुनते हैं हम सुनते हैं बास्ट एक फाइबर है बास्ट फाइबर हम नॉर्मली सुनते हैं जैसे जूट है हेम्प है तो ये सारे फाइबर के टाइप हैं जो कि स्केर एंड सेल्स ही हैं तो लेट्स सी फाइबर क्या होता है फाइबर होते हैं इलॉन्गेट स्केर सेल्स विद टेप टेपर्ड एंड्स एंड फाइबर्स जो हैं डेवलप होते हैं सेकेंडरी फ्लोएम से वैसे तो नॉर्मली प्राइमरी फ़्लोएम से डेवलप होते हैं बट अगर हम बात करें कुछ केसेस हैं लाइक निकोटियाना क्लेमेट्स और कुछ अदर जो प्लांट्स हैं उसमें ये बेसिकली सेकेंडरी फ्लोएम से डेवलप होते हैं फ्लोएम ऑफ फ्लैक्स एंड हेम्प पजेज लिविंग प्रोटोप्लास्ट बाकी सब में डेड होता है लेकिन दो जो हम कह सकते हैं जो फाइबर्स हैं फ्लैक्स एंड हेम्प तो वहाँ पर ही लिविंग होता है लॉन्गेस्ट फाइबर आपको इस पॉइंट को याद रखना है वो एम नाइविया ये जो प्लांट है इसका जो फाइबर होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर होता है नेक्स्ट आता है स्क्लेरिट्स स्क्रिट्स जो होते हैं दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ स्क्र क्राइम सेल्स होते हैं दैट डेवलप टू प्रोवाइड सम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को जैसे अगर प्लांट स्ट्रेट खड़ा हो पा रहा है तो वो एक तरीके का मैकेनिकल सपोर्ट है दे में अगर इन कॉटेक्स में भी स्क्लेट्स हो सकते हैं पिथ जो सेंटर वाला जो पोर्शन होता है किसी भी सेल का दैट इज़ एज पिथ एंड फ्लोएम होता है हार्ड जो सीड्स होते हैं नट्स स्टोनी फ्रूट्स जो होते हैं जो कि थोड़ा हार्ड होते हैं इन द लीफ एंड स्टेम स्टेम ऑफ मैनी डाइकोट्स एंड जिमनोसपम में ये देखे जाते हैं द सेल्स ऑफ स्क्रिट्स हैव नो डेफिनेट शेप्स एंड आर मोस्टली आइसोडाइमेट्रिक होते हैं स्लाइटली इलोंगेटेड बेसिकली होते हैं स्ट्रक्चर में सो हेयर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर एंड स्कलैरिट्स जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फाइबर्स होते हैं वो टेपरिंग एंड्स होते हैं इलोंगेटेड होते हैं आप देख सकते हैं कि इस तरीके सेपरिंग से मतलब कुछ चपट्टा टाइप का तो आप देखोगे कि इस तरीके से पॉइंटेड और टेपरिंग एंडस हैं और ये इलांगेटेड है थिक वॉल स्ट्रक्चर है ये ल्यूमन कैविटी यहाँ पर होती है और यहाँ पर आप इस्क्रिट्स में देख सकते हैं दीज आर पिट्स इस्क्रिट्स में आप ध्यान दीजिएगा कि सेल्स के बीच में हमेशा पिट्स होते हैं राइट right? आप देख सकते हैं कि इस तरीके से गड्ढे टाइप के थिक सेल वॉल होती है यहाँ ये आप देखोगे कि ये सेल वॉल है एंड दिस इज ल्यूमन जो कैविटी होती है प्रेजेंट होती है राइट सो आई होप आपको समझ में आ गया है बेसिकली हमने कवर किया था कि प्लांट में टिश्यू जो होते हैं सिंपल uh, जो है बेसिकली मैरिस्मेटिक टिश्यू हैं देन परमानेंट टिश्यू मैरिस्मेटिक टिश्यू हम पढ़ चुके हैं परमानेंट में आज हमने डिस्कस कर लिया है सिंपल परमानेंट और कल हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू डिस्कस करेंगे जिसमें आता है जाइलम एंड फ्लोएम राइट सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग